ज़्यादातर दिन के मुंबई की बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है जो कि इस्लाम कम्युनिटी पे पैदा हुई और उम्र भी उनकी हवानी माँ जैसी है, लेकिन उनके नंगा नाश तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो कुछ कुछ कुत्ते होते हैं, देखो गाना है, कुछ तो कुत्ते भूखेंगे, कुत्तों का काम है भौंकना, छोड़ो इनको भूखने दो, कहीं बीते ना जाए रहना। ठीक है, तो कुछ कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो इंडिया के भी हैं, आउट ऑफ इंडिया के भी। देखो गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो यहाँ पे मैं अपना चाय गर्म कर रही हूँ, सबका ब्रेकफास्ट हो गया, मेरा बाकी है क्योंकि मैं जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मैं इबू को पिला रही थी दूध, और यहाँ पे है दोनों अलम पानी भर दीजिए, और यहाँ पे उनका बर्तन भरा हुआ है, इबू यहाँ पे बेड पे लेटा हुआ है। अच्छा, कल बेहोश हो गया था मेरा बच्चा, ऑलमोस्ट मेरी जान निकल गई थी, लेकर उसकी तबीयत खराब है, सुनो तबीयत खराब है, खराब है। और ये फिश टैंक पानी आया तो उसको साफ़ कर लो, मुझे देखिए कैसे घूम रही है, अभी मैं चाय वगैरह पीऊँगी। हाँ, और नाश्ते में आज है, क्या कर रहे हो, वो प्लेट है वो प्लेट है वो प्लेट है प्लेट है उसमें पार्ट भी छिड़क के घर घर में पानी से रख दो, बाबू पानी की बॉटल भर रहे। पीने का पानी का नल है, नल आया है आज तो पानी भरा जा रहा है, अभी मेरे पास चाय ये दोबारा गर्म किया, इस चाय दोबारा से गर्म हुआ क्योंकि मैं इब्बू को पिला रही थी, चाय के साथ ये खाऊंगी। चलो चम्मच ना छूट जाती है, भरने लगा भरने लगे इब्बू का, बोलो पैर पोछने को उठा, पैर पोछने को उठा ताकि भर गई, अभी ऊपर से पानी भर गए, ये बोलो चप्पल चप्पल वहाँ पर रख के ऊपर उठा के रख। भाई हमें बाज़ार लेकर आया अभी चिकन, मूली, कोथमीर, पालक, गोभी सब लेकर है, ये बनाऊंगी ये सब। वो तो बेचारा दूध ढंग से नहीं पी रहा, आए जैसे लो लो अल्लाह हाफिज़, काइट चलो काइट काइट उठो, ये क्या है सोनू, काइट है, अच्छा धागा बांध के दो। ठीक है, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पालक आलू मूली की सब्जी, और इसको मैं ऐसे धो रही थी कि इसमें ज़्यादा पानी लगता है, एक वॉश कर लिया, फिर ये दूसरा वॉश है, मैं भूल गई थी शूट करना तो सोचा शूट करके आप लोगों को दिखा दूँ। ये है पालक आलू मूली, धो लिया है, ये है मैंने यहाँ पे सूखी मिर्च डाली जो मैंने घर में सुखाया था, मतलब एक्स्ट्रा बची तो सूख गया था, और कलौंजी डाला, इसमें नज़र नहीं आ रहा शायद, हाँ ये है कलौंजी डाला, और यह है सब्जी। बच्चे क्या करे, इब्बू बेडशीट में बिछाऊंगी, उतरो उतरो, और इसमें जाएगा जीरा, नमक और हल्दी। एंड प्लीज़ मेरे खाने के लिए कमेंट बात करो कि खाना बनाना सीखो ये वो, मैं पिछले 10 साल से घर पर सा रही, इससे पहले मैंने मायके में मेरी माँ नहीं थी तो खाना बनाते हुए आ रही हूँ, मैं हर रिलीजन के लोगों का खाने का रिस्पेक्ट करती हूँ, हर तरीके का खाने का, मैं बंगाली हूँ तो मेरा ये खाने का स्टाइल है, दैट डजंट मीन कि मुझे पकाना नहीं आता, ये मेरा पकाने का स्टाइल है, हम ऐसे खाते हैं। सो कुछ कुछ लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग भी करो, अगर देख ही रहे तो समझो कि मैं आप लोगों की जैसी नहीं हूँ, आप लोगों के कल्चर मेरा कल्चर नहीं है, मेरी दुनिया बहुत डिफरेंट है। दो आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों की बन के हूँ, सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मैं सायरा की तरह नंगापन नहीं करती हूँ, बट मैं अपना खाना और अपना पहनावा जो भी है, पहनावे से जीन्स टॉप तो वगैरह नहीं पहनती, पहली मैं डाल देती हूँ, यह मैंने सब्जी दे दी है,
चिकन मैंने भिगो लिया है धोने के लिए। अभी इसमें जाएगा हल्दी, नमक और ज़ीरा। तो इसमें मैंने दे दिया नमक, ज़ीरा, हल्दी और लाल मिर्च। तो इसे लाल मिर्च मैंने दे दी, नहीं तो ज़्यादा फीकी हो जाएगी। इसको मैं हिला लेंगे ऐसे। एक हाथ से नहीं होना, मैं पकड़ लेती हूँ। तो मैंने मिक्स कर लिया है, अभी लगा दूंगी ढक्कन कम स्टीम में। इससे पानी वाली नहीं जाएगा, इसके पानी से ये पकेगा, कम स्टीम में है। अभी मैं पिलाऊंगी इब्बू को दूध, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरा सालन ऑलमोस्ट पक चुका है और ये इब्बू को जो है ना आंख पुछाने के लिए गर्म पानी से बिठाया है। हीटर है लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया, थोड़े से पानी के लिए क्या इस्तेमाल करना, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। कि आप लोगों ने देखा बिस्तर मैंने बेडशीट बिछा दिया है, इब्बू को भी मैंने पोछा दिया है। और ये रहा मेरा पालक और मूली का सब्जी, जो ज़्यादा शोभा वाला भी नहीं है, गारा गारा टाइप का है थोड़ा सा। और अभी मैं धोऊंगी बर्तन वगैरह। फेस मैंने साफ कर लिया है, अब बस चावल धोंगी, घर झाड़ू मारूंगी और कपड़े धो के नहा लूँगी। और वैसे मेरा पीरियड चल रहा है तो मेरे को थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है, कमर वगैरह पेट वगैरह मेरा दर्द होता रहता है। अब बात करते हैं मुद्दे की बात, ठीक है। ए गुनो गुनो गुनो, उसका फ्रिज में गुनो डाल लिया फ्रिज में बॉटल जब भरा था उसके अब्बा ने। तो मुद्दे की बात ये है कि पहली बात तो ये है, देखो मैं अपने घर में रहती हूँ अपने फैमिली के साथ, खाती अपना हूँ, घर का भाड़ा भी अपने से ही भरना पड़ता है, सब कुछ अपना है। और ना तो सोशल मीडिया में आज तक कोई बोल पाया कि मैंने नंगा नाच नाचा या फिर ऐसा कोई काम किया जो इस्लाम के खिलाफ हो, चाहे वो शिर्क करना हो या हुक्का पानी पी के नाचना हो या गंदे मतलब कि वाहिया तरीके के कपड़े पहनना, ऐसा जैसा मैंने कुछ किया नहीं। क्योंकि मुझे भी पता है मेरा दायरा क्या है, सो मैं अपना लिमिट कभी क्रॉस नहीं करती, चाहे वो इस्लामिक तरीके से हो या फिर इज्जत के तरीके से हो, जैसे इज्जतदार लोग जीते हैं, ठीक है। और रहा सवाल कि मैं गाली देती, ठीक है, देखो मेरा मैं बहुत वेल एजुकेटेड मतलब कि पढ़ी लिखी औरत हूँ, मुझे अच्छाई का गुण बंद कर दो, बंद कर दो एक सेकंड ना, मुझे इतना समझ है कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या करना है, कब करना है, मतलब अच्छी बुरी चीज़ों की मुझे जो है ना समझ है। तभी भी आज तक 10 साल ऑलमोस्ट 9-10 साल हो गए मैं अपने घर, ठीक है, अपने रिश्तेदार, अपने हर चीज़ों से दूर, इतना दूर, कहाँ आसाम और कहाँ औरंगाबाद, आप लोग गूगल करके देख लो डिस्टेंस कितना है।
वहाँ से यहाँ पे आने जाने में एक हफ्ता लगता है। इतना दूर मैं एक मुस्लिम लड़के के साथ उसकी कम्युनिटी पे, उसके एरिए पे, उसके साथ घर बसा रही हूँ, ठीक है। अब रहा सवाल लाइफस्टाइल का, तो देखो मैं ऐसी कोई लाइफस्टाइल मैं फॉलो नहीं करती या फिर नहीं जीती कि जिसकी वजह से इस्लाम का नाम ख़राब हो। रदर दिन के मुंबई की बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है जो कि इस्लाम कम्युनिटी पे पैदा हुई और उम्र भी उनकी हमारी माँ जैसी है, लेकिन उनके नंगा नाश तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो कुछ कुछ कुत्ते होते हैं, देखो एक गाना है, कुछ तो कुत्ते भूखेंगे, कुत्तों का काम है भौंकना, छोड़ो इनको भूखने दो, कहीं बीत ना जाए रहना, ठीक है। तो कुछ कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो इंडिया के भी हैं, आउट ऑफ इंडिया के भी। देखो ऐसा है ना, हम एक ऐसे मतलब लोगों के रिलेटेड है, मतलब ऐसे लोगों के बीच में है कि हमको ना हर चीज़, अगर कोई यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा हो तो वो घूम के हमारे कानों तक आ ही जाता है, चाहे वो यूट्यूबर हो या फिर कोई व्यूअर हो या फिर कोई व्यूअर यूट्यूबर से मिला हुआ हो, मेन वहाँ तक पहुँच हो, उसका भाई बहनों से उसकी पहुँच हो। ऐसे लोग भी हैं जो इंडिया के बाहर के भी होते हैं, इंडिया के भी होते हैं, यूट्यूबर भी होते हैं, व्यूअर भी होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत चुगली करते हैं, मेरे दोस्त के पास, मेरे दोस्तों के दोस्तों के पास, मेरे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के पास चुगली करते हैं, ठीक है। नमाज का टाइम हो गया, मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ सकती अभी। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी, बहुत सारे लोग बहुत तरह की मेरे पास पीछे बात करते हैं, हालांकि ना मैं उनके पति को लेके भागी, ना उनके बाप को लेके भागी, ना उनके हिस्से का खाना खाई, लेकिन मैं गाली गलौज करती हूँ तो उनको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। पहली बात तो ये है, कान खोल के सुन लो भरमों की औलाद, मैं तुम लोग के बाप का नहीं खाती, ना तुम लोग के शौहर का खाती, ना तुम लोग की कमाई का खाती, पहली बात। दूसरी बात, मैं गाली भी कर रही हूँ, मेरी मेरी जबान, मेरी चैनल, मेरी वीडियो, जिसको पसंद आए देखो, जिसको ना पसंद आए वो गलती मार लो, सीधी सी बात है। मैं सदा तो गाली गलौच नहीं करती, तो मैं गाली गलौच करूँगी, रोज़ भी करूँ, वो मेरी मर्ज़ी, ठीक है। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, मैं किसी का बाप का खाके नहीं रखी हूँ और ना किसी ने मुझे ख़रीद के रखा है। और रहा सवाल कि बींग ए मुस्लिम गाली देना, तो अब मैं अगर बोलूँ तो ये एंटी मुस्लिम चीज़ें हो जाएगी। भाई मुसलमानों में ऐसी औरतें भी है जो आप लोगों ने, आप लोग भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, नंगा नाश आ रही है लिटरली, कपड़े भी वैसे ही पहन रही है, नाच भी वैसी रही है, शिरक भी कर रही है, दारू पानी भी पी रही है, हुक्का ही पी रहा है। तुम लोग को अगर इतनी खुजली होती है ना, तो जाओ जाके उनकी जो पिछवाड़ा है ना उस पर खुजाओ, मेरे पिछवाड़े में आके खुजाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं ना सब करके सबको पता है कि मैं क्या हूँ, क्या मैंने यूट्यूब में करती हूँ, क्या नहीं है, सब करके सुकून से बैठ कर भी डेली व्लॉग चला रही हूँ और शीला भाई के ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ। मैं ये दो ही चीज़ मैं कर रही हूँ, मैं किसी के पिछवाड़े में ना खुजाने जा रही हूँ ना टोचने जा रही हूँ, लेकिन हाँ बात जब मेरे और नाजो के ऊपर आएगी, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, मैंने सोशल मीडिया में सबको देख लिया, भाई ताई बहन वगैरह सबको देख लिया, मैंने सबको देख लिया, सबको, आंटी चाची भाभी मामी सबको देख लिया मैंने, लेकिन कोई अगर मतलब मुझे सही में मेरी फिगर किसी को है ना, मैं जिनके साथ मैं लड़ लूँ, लाख लड़ लूँ, एक महामीर जिसको मैं कितना भी बोल लूँ, जितना भी उससे मैं लड़ लूँ, वो घूम फिर के आके मुझे कुछ होता है तो उसको तकलीफ होता है, वो आती है मेरे पास, और एक है नाजो, उसके साथ मैं लाख लड़ लूँ, मैं बाहर मैं कहीं कहीं जगह पे मैं रायता फैलाती हूँ, वो रायता समेटती है, मैं उसको बहुत कुछ बोल देती हूँ, वो मुझे समझाती है। तो नाजोकर मेरा ऐसा है ना कि वो मुझे समझती है और मुझे वो सही गाइड करती है, वो हर चीज़ मतलब मेरे को कुछ भी होता है या फिर कुछ भी करना रहता है तो सबसे पहले फ़ोन में नाजो को करती हूँ। हालांकि लोगों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसको कॉल करूँगी तो वो मुझे समझेगी, मुझे सही रास्ता दिखाएगी, ठीक है। लेकिन बात जब मेरी और नाजो की आएगी, महा की भी आएगी, महा के साथ तो खैर ज़्यादा लोगों की दुश्मनी है नहीं, लोग जलते मुझसे और नाजो से, पता नहीं हमारे गुह में ऐसे क्या टेस्ट लगता है उन लोगों को, खट्टा मीठा है कि नमकीन तीखा है कि क्या मालूम, चटपटा है कि क्या मालूम, हमारे गुह में उनको क्या टेस्ट मिलता है खाने के लिए। हालांकि हम उनको चवरने का भाव भी नहीं देते, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, नाजो का भी सेम, वो उसका पति और उसके दो बच्चे, हम अपनी दुनिया में खुश है। हाँ, मैं अपने पति को जो है हेल्प करने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब में दो चार वीडियो बना लेते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को इतनी मतलब खुजली होती है। हालांकि मैं उनको पर्सनली जानती भी नहीं हूँ और ना पर्सनली उनके साथ मेरा कुछ है, ऐसा राइवलरी होता है ना कि दुश्मनी है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी चुगली बरोबर करते, कभी हिमाचली के पास कोई करेगा तो कभी उसके पास करेगा तो उसके पास करेगा, मतलब हर किसी के पास मेरी चुगली हर कोई करता है। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों, क्योंकि मैं तो किसी की चुगली करती नहीं हूँ, और खासकर मेरे और नाजो के पास तो ट्रस्ट में, महामीर के पास ही, महा तो यूट्यूब से भी गायब है, नाजो का भी बहुत फैमिली में चीज़ें चलती रहती है, तो कोई बीमार हो गया या फिर कोई काम हो गया तो वो भी उसमें भी बिजी रहते हैं, मैं अपने दोनों बच्चों को लेके, दोनों चैनलों को लेके, या फिर पहले एक चैनल का कोई उसको लेके, हर चीज़ में मैं बिज़ी रहती हूँ, ठीक है। हमारे पास उतना फालतू टाइम ही नहीं होता है कि किसके घर में क्या हो रहा है, और अगर इतना दीनदार बन रहे हो ना तो एक काम करो, इसका वीडियो ना देख के इंस्टाग्राम और यूट्यूब में, और इस यूट्यूबर के साथ बात करने में या फिर सब्सक्राइबर के साथ बात करने में टाइम वेस्ट ना करके
जाओ वजू करो, नमाज पढ़ो, जो कज़ा हुआ नमाज है ना, जो टाइम पास करते हो उसकी उसकी बुराइयाँ करके, उसकी उसकी चुगली करके, उसकी उसकी वीडियो देख के, वो जो नमाज छूट जाता है वो भी पढ़ो, तस्बीह पढ़ती बैठो, हज और उमरा में जाओ और अल्लाह अल्लाह करो, जितने पैसे का डाटा भरवाती हो वही पैसे सेव कर करके हज और उमरा में जाओ। अभी बात समझ में, क्योंकि मेरी चुगली करके तो तुम लोगों को फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं गिव अप नहीं करती, पहली बात गिव अप नहीं करती हूँ, दूसरी बात मेरा हट जाए तो सामने कोने में देखती हूँ, भाई होगा तो राजा बादशाह तेरे, पता नहीं कौन से क्या होंगे तेरे, क्या वो क्या बोलते हैं ना कि कॉन्टैक्ट्स क्या होंगे, लेकिन भाई हम अगर अपनी सेफ्टी में आएंगे तो हम अपनी सेफ्टी भी देखेंगे, ठीक है। पहली बात मैं किसी से डरती नहीं हूँ, आज तक ना डरी और ना डरूंगी, जो भी है मैं खुला बोलती हूँ। दूसरी बात मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। तीसरी बात मैं अगर अपनी वाली पा जाती हूँ ना तो बहुत ही नीचे स्तर पर गिर जाती हूँ, अदरवाइज मैं किसी का कोई मेरे को लेना देना नहीं। अगर मैं किसी के पीछे लग गई तो बहुत बुरी तरीके से लग गई, ये बात सबको पता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से लग जाती हूँ, बाकी तुम कुछ भी कर दो वो देखा जाएगा बाद में, अपने वाले पे आ गया ना तो इंसान अपने बचाव में करता ही है, और गवर्नमेंट तुम्हारे बाप का तो खरीदा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और रहा सवाल मेरी चुगली करने का, तो मेरी बुआ अगर इतनी टेस्टी लगती है तुम लोग को मेरी और नाजुक की, तो खाते बैठो, मेरे को फ़ोन करके बोलना तो मैं ज़्यादा करके खाना खाऊँगी, और ज़्यादा होगूँगी तो वो भी खाना पार्सल करवा दूँगी तुम लोग को, है कि नहीं है। बाकी देखो तुम लोग के भोंकने से ना मेरे पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ बिल्कुल मस्त से जी रही हूँ अपने पति और बच्चों के साथ, तुम लोग के तुम लोग होकर एग्जिस्ट नहीं करते मेरे पर्सनल लाइफ में, तुम लोग मेरे और नाजो के पर्सनल लाइफ में तुम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि तुम लोग का कोई रोल ही नहीं है मेरे लाइफ में, तो इम्पैक्ट तो मेरे लाइफ में तो आने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोगों को भोंकना है, जितने तरीके से बातें फैलाना फैला लो, क्योंकि मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि देखो चैनल तो मेरा वैसे भी चलना है ऐसे भी चलना है, क्योंकि रिएक्शन चैनल तो सारे सत्ताने के नाम से चलता है, ठीक है, तो चैनल तो वैसे भी चलना है, व्यूज़ तो वैसे भी आने, और रहा सवाल डेली व्लॉग का, जो मुझे पसंद करते हैं वो देखेंगे, जो मुझे नहीं पसंद करते वो जा सकते हैं, आई डोंट माइंड, ठीक है, क्योंकि हर हाल में चैनल दोनों तो मेरी ही है। और कुछ कुछ कुत्तों को भूखने से मेरे पर्सनल लाइफ है, क्योंकि आप लोग मेरे को पर्सनल जानते ही नहीं हो ना, आप लोगों से मेरा पर्सनल रिश्ता है, तो अफेक्ट किस बात का है कि नहीं है। तो ऐसे ही भूखते रहो, ऐसे जलते रहो, ये एक्चुअली तुम लोगों का ना ये सिम्टम्स जो है ना वो जलने वाले सिम्टम्स है, क्योंकि तुम लोगों की जी में दम नहीं है कि आयशा के मुँह पर आके बोलो, क्योंकि पता है आयशा के मुँह पर आके बोलोगी तो छिलटे उड़ा दूँगी, छिलटे ऐसे निकाल दूँगी, क्योंकि आयशा किसी के बाप की नहीं खाती, खुद की खाते खुद की पति खाते। ऐसा अगर घर बसा रही है ना तो खुद का पति, मेरा पति अगर मेरी बात सुन रहा है ना तो इसमें भी मेरा मेहनत है, क्योंकि मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ हर जगह पर, मैं खड़ी होकर उसको सपोर्ट करूँ, चाहे बच्चों के लिए हो, घर के लिए हो, हर चीज़ के लिए हो, ठीक है। तो आयशा तो किसी के बाप से नहीं लेती, क्योंकि आयशा अपने बाप से लेके भी नहीं खाती है, ठीक है, वो अलग बात है, बाप कभी कभार मदद कर देता है, वो अपनी मेरे बाप की मर्जी अगर वो कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन मैं मेरा घर तो मेरा बाप भी नहीं चला रहा है कि नहीं है। अगर दम है तो आयशा के मुँह को ऊपर आकर डायरेक्टली बोलो, इसके उसके 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 ये इससे समझ में आता है तुम लोग फट पे हो, तुम लोग के जी में दम नहीं है। और रहा सवाल के गाली देती है, तो बहन एक बात मैं बोल लूँ, अब मैं बोलूँगी, क्योंकि अब तक तो मैं क्योंकि मैं जिस रिलीजन में आई थी, जो मैंने रिलीजन एक्सेप्ट किया वो मेरा ही है, लेकिन अब मैं बोलूँगी कि मैं गाली देती हूँ ना तो इस्लाम में ना तो खुद को बहुत मुसलमान समझती है, चलो मैं पैदाइश मुसलमान नहीं हूँ तो इसलिए मेरे पिछवाड़े में तुम लोग को ज़्यादा बदबूत है। कल किसी ने कमेंट किया था, अच्छा कमेंट किया कि एक चैनल पर आपका दुपट्टा रहता है तो दूसरे चैनल पर दुपट्टा नहीं रहता, चलो एक चैनल पर सर पर दुपट्टा रहता है दूसरे चैनल पर सर पर दुपट्टा नहीं रहता, क्योंकि मैं काम करती हूँ, मेरे को आदत नहीं, नंगा तो नहीं घूमती हूँ ना बाकी मुंबई वालों की तरह, बाकी लोगों की तरह हुक्का दारू पी के मुजरा तो नहीं कर रही ना, वो भी देखो है कि नहीं है। तो नुक्स निकालने से पहले ना ये देख लो कि ये लड़की इस रिलीजन में आके कहाँ तक, इस रिलीजन के दिवाली नहीं मना रही हूँ, ना लक्ष्मी पूजा कर रही हूँ, ना लक्ष्मी पूजा में जा रही हूँ, ना उनको बधाइयाँ दे रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिर्क के तरीके से भी मतलब शिर्क के तरीके से भी करते हैं लोग और दूसरे तरीके से भी कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रही हूँ, दरगाह पर जाके तो माथा नहीं टेक रही हूँ ना, दुआएँ मांग रही, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, किसी को नुक्स निकालने से पहले ना उसकी अच्छी चीज़ें भी देख लो। और रहा सवाल एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम का, देखो तुम लोगों के बोलने से तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जांपल जो है ना अगर मैं देती बैठूँ ना तुम लोग को मुसलमानों की औरतों की एग्जांपल, तो एग्जांपल अच्छी चीज़ों में बहुत है, बहुत बुरी चीज़ों में बहुत है, लेकिन मैं अगर अच्छी चीज़ों को देख के अपने अंदर तब्दीली नहीं ला पा रही तो बुरी चीज़ों को देख के तब्दीली लाने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं नहीं करती हूँ तुम लोग की आँखों के सामने, वो लोग सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। तो चलो अभी तो फिलहाल मैं झाड़ू वाड़ू मार लूँ, नहा धो लूँ, एंड उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, अभी के लिए तो फिलहाल बाय। एंड अगर दम है ना जी में वो जो तुम लोग का जी है तो नाजुक है, मेरे बारे में बुराई करने से पहले मेरे सामने आके बुराई करो, इसको उसके कान में देने से पहले मेरे कान में दो। और रहा बात नाजुक की बुराई की और नाजुक का जो है ना मेरे चैनल नाजुक के चैनल पर स्ट्राइक मारने की, मैं ना बहुत कमी नहीं औरत हूँ, बहुत कमी नहीं, सोचो 18-19 साल 20 साल की उम्र में 18-19 साल की उम्र में
अगर मैं एक अपने घर से भाग के आके मैं एक मुसलमान लड़की के साथ शादी कर सकती हूँ, उसकी एरिया में रह सकती हूँ, उसको सब कुछ मैं अपने लाइफ में ला सकती हूँ, तो सोचो मैं कितनी कितनी सख्त दिल की हूँ। ठीक है, मेरा इतना मन करता है अपने बाप भाई से मिलो, अपने घर में जाओ, फिर भी नहीं जा रही हूँ, सबको देखती हूँ जाते हैं, मेरे को दुख होता है अंदर ही अंदर, वो होता है, फिर मैं अपने इमोशंस को अगर कंट्रोल करके मैं यहाँ पे रह सकती इतने सालों से, तो सोचो मेरा दिल कितना स्ट्रांग है, मेरा माइंड कितना स्ट्रांग है। तो जिनके माइंड स्ट्रांग होते हैं ना, हाँ ये है, अलग बात है कि पॉलिटिक्स नहीं खेलते कोई, कुछ लोगों की तरह अल्लाह रसूल का नाम लेके उसी ब्लॉग में अल्लाह रसूल के नाम ले उसी ब्लॉग में गंदी गाली दे रही हूँ मैं, वो वाली जो पक्की वाली दीन वाली बनके जो है अंदर अंदर जो नंगा नाच नाचने का काम मैं नहीं करती, जो मैं हूँ सामने हूँ और सामने से भी मैं नंगा नाच नहीं नाचती, मुझे पता है मेरा क्या दायरा है और क्या दायरा नहीं। तो चलो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी का आज का व्लॉग फिर यहीं पे एंड करती हूँ, इसको और कंटिन्यू नहीं करते फिर आधा घंटा तक चला जाएगा, फिर मिलते एक नए व्लॉग के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो याद रखिए बाकी दरखास्त है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके अपना ओपिनियन जो है वो ज़रूर शेयर करें। कुछ कुछ चीज़ें हैं मेरे में भी खराबी है, क्योंकि भाई इंसान हूँ, अगर पैदाइश मुसलमान लोग गलत कर सकते तो मैं तो हिंदू हूँ, मेरे ज़िंदगी में तब्दीली लाने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है, तो उसको थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लो रेदर देन के नुक्स निकालो। कमियाँ हर इंसान में होती है, लेकिन मुझ में उतनी कमियाँ नहीं है कि जो एक्सेप्टेबल ना हो। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक आया था, फिर मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।